बाहर निकल गया। जब बाहर से देखा तो इसके अंदर ये पर्दे वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो ये जो आल्टर की पाक मेज है, इसके पीछे से रंग बिरंगी शोएं निकल रही थी। वो काम नहीं करते, अब वो अम्मी को इतने मारते हैं, जुल्म करते हैं। क्यों? वैसे जुल्म करते हैं। जुल्म क्यों करते हैं? उस दिन हम स्कूल गए थे, अब्बू को कुल्हाड़ी मारी थी, अब्बू ने अम्मी को कुल्हाड़ी मारी। फिर? तो फिर हम स्कूल गए थे ना, मम्मा चप्पल में थी और अब्बू जेल में थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ज्यादातर रिलेट करेगी नेचर और हिस्ट्री के बारे में, और आपको आगे पता चलेगा वीडियो में कि हम किस जगह जा रहे हैं और क्या एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को पता है कि हिल स्टेशंस में जाकर वाटर स्ट्रीम्स की वजह से गाड़ियां वगैरह पानी की वजह से गंदी हो जाती हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो हमने सामान वगैरह सारा सेट कर दिया और गाड़ी हमने सर्विस नहीं कराई, बस ऐसे ही है। अब आगे जाके आपको पता चलेगा हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। अभी इस्लामाबाद का टेम्परेचर अराउंड 37-38 है और गो के पंप पे हमने थोड़ा फ्यूलिंग के लिए रेस्ट लिया। वेदर कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, होगा तो तकरीबन 37 होगा, लेकिन फील ऐसे हो रहा है कि 40 अबव है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। फ्यूलिंग वगैरह जब पूरी कर ली हमने, तो अभी मरी का आधा रास्ता हुआ है और बीच में हमने स्टॉप लिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था वहाँ पे मौसम कितना गर्म था और अराउंड 40 डिग्रीज फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आए हैं व्यू, अब आप लोगों को मैं दिखाऊँ अपने करीब का, ज़रा गिर्द का व्यू चल रहा है। अभी मौसम आप देख लें, ऊपर क्लाउडी हो गया है और बहुत बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज आया है वेदर में, अराउंड 2-3 डिग्रीज कम हुआ है, मतलब अब खड़ा हुआ जा रहा है बाहर। पहले तो बिल्कुल ही ऐसे था कि अच्छा, आते हुए मैं आपको बताऊं, रास्ते में आते हुए जो है ना वो गाड़ी का हमारा वो उधर खड़ी हुई, आते हुए जो है ना रास्ते में फ्यूल पंप का मसला हो गया। क्योंकि गर्मी इतनी थी तो ओवर हीटिंग की वजह से फ्यूल पम्प ज़्यादा हीट हो गया और उसने जो ना वर्क करना छोड़ दिया। तो अभी सराउंडिंग में आप लोगों को दिखाता हूँ अपने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सराउंडिंग में बिल्कुल ही मौसम चेंज हो गया है और प्लेजेंट हो गया वेदर। पहले तो बहुत हॉट था ना, अब प्लेजेंट हो गया। ओह माय गॉड, वाओ। अभी जब तक गाड़ी का काम हो रहा है मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी और आप लोगों को बताऊँ कि कहाँ तक पहुँचे, कैसे हो रहा है सब कुछ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब बाकी बात है, जब ये गाड़ी का काम हो जाएगा फिर मैं आपसे शेयर करूंगा।
अभी नथिया गली मरी से क्रॉस करके जब गाड़ी का काम करवाया हमने, तो वहाँ से जैसे ही निकले थे, बीच में आप लोगों को मैंने बताया था मौसम चेंज हुआ है, तकरीबन 5-6 डिग्री का फ़र्क आया था। और अभी मैं नथिया गली में हूँ, आपको पता नहीं सही तरह पता लग रहा हो कि नहीं, लेकिन मौसम ऐसा हो गया है, ऐसे वीडियो में आप लोगों को सही पता नहीं चलेगा, अगर कोई यहाँ पे होता तो महसूस कर सकता था। ऐसे हाफ स्लीव शर्ट में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कितनी ठंड है। तो हमारी मेन डेस्टिनेशन मैंने शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ, वो है नथिया गली। घर वाले अपनी तस्वीरें ले रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। आते हुए ड्रिजलिंग भी हुई है थोड़ी बहुत। मसला एक ये हो गया था कि बीच में जो है ना मेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो है ना वो गायब हो गई, पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया कैमरा ने। Years later. Finally, we have reached our destination और ये है सेंट मैथ्यूज चर्च, जो कि लोकेटेड है नथिया गली में। इस चर्च की ख़ास बात ये है कि ये आजकल जैसी भी इमारतें बनती हैं वो सारी बुनियाद के साथ बनती हैं, लेकिन ये वाहिद चर्च है जो सिर्फ लकड़ियों से बना है और इसके नीचे कोई बुनियाद नहीं डली, ये एक जगह पे बस रखा हुआ है। और जानी पहचानी शख्सियत जो हैं क्वीन एलिजबेथ, वो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। और अपने ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम जब चल रहा था उस वक्त में भी उन्होंने यहाँ विज़िट किया था,
सबसे हैरत अंगेज बात यहाँ की ये है कि जो यहाँ केयर टेकर हैं वो एक मुस्लिम बंदा है, एक बुजुर्ग है, और उनका इंटरव्यू भी मैं लूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा उनके क्या थॉट्स हैं और क्या उनकी थिंकिंग है जो ये काम करते हैं। सो व्यूअर्स, पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चर्च फ्रॉम पास्ट 18 ईयर्स, और मैं वहीद अंकल का इंटरव्यू करना चाहूँगा जो यहाँ पे 18 साल से खिदमत कर रहे हैं। वहीद अंकल, आपको यहाँ पे खिदमत करने का मौका कैसे मिला? ये मेरे बाप दादा भी यहीं पे इसी चर्च की खिदमत किया करते थे, तो उनकी डेथ के बाद मुझे ही मौका मिला है। पहले मेरे दादा थे, उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब थे, तो उनकी वफात के बाद फिर मुझे मौका मिला, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 18 साल से कर रहा हूँ। तो ये पेशावर डायसेस के अंडर में बस वही हमें रखा हुआ है। सही, तो इस चर्च को बने हुए तकरीबन कितने साल हो चुके हैं? इस चर्च को बने हुए 107 साल हो चुके हैं। 1914 में बना था ये बरतानिया दौर में, और ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं लगी है, तो अभी तक ये अपनी जगह कायम दायम है। सिर्फ इस वजह से कि इसकी देखभाल होती रहती है। आप पहले भी आते रहे हैं, देखा होगा आपने, तो ये कुछ अरसे से आप इसमें काफ़ी चेंजिंग देख रहे हैं। सही। ये जब से बिशप साहब आए हैं, बिशप हैम्फ्री पीटर साहब, उसके बाद KPK में जितने भी चर्च हैं उनकी उन्होंने अच्छे तरीके से देखभाल की है। इसमें जितनी भी चेंजिंग नज़र आ रही है सारी उनकी काविशों का नतीजा है कि ये उन्होंने इसको आबाद किया हुआ है। सही। तो हमने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें कहा जाता है कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है और इसमें एक भी कील का मतलब यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो क्या ये सच है? ये देखें, ये इसी इस तरह है कि ज़मीन के अंदर इसका कोई कंटेक्ट नहीं है। सही। इसकी पूरी 2.5 फुट की जो है फाउंडेशन है उसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो ये गोरों ने जिस टाइम डिज़ाइन किया था उन्होंने इस तरीके पे डिज़ाइन किया था कि अगर इसको यहाँ से कहीं शिफ्ट कर सकें तो इसको उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिज़ाइन, इसमें कोई कील नहीं लगी है। अगर कहीं कील की ज़रूरत हुई है तो वहाँ पर उन्होंने लकड़ी की कील लगाई है, ये लोहे की कील नहीं लगाई है। सही। बाकी ये जो इसका ग्राउंड है, इसके ग्राउंड में सारे उन्होंने वो नट बोल्ट लगाए हुए हैं, कील नहीं लगाई। और कौन कौन सी मशहूर शख्सियत अभी तक इस चर्च में दौरे पर आए हैं? यहाँ से बहुत सी मशहूर शख्सियत आए हैं, पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान आए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आए हैं। नाम किसी का याद रहता है, किसी का नहीं रहता। सही। है बस एक खटक साहब थे जो याद रह गए, उनका नाम भी याद है, वो भी उन्होंने भी विज़िट किया था यहाँ का। हमने सुना है कि क्वीन एलिजबेथ भी यहाँ पर आई हैं दौरे पर, क्या सच है? देखें, हो सकता है कि मेरे यहाँ आने से पहले आई हूँ। सही। तो मेरी मौजूदगी में तो नहीं आई है। सही। क्योंकि हमने ये सुना था, क्योंकि इसकी जो चर्च की रजिस्ट्री लॉक थी उसमें उनकी दस्तखत थे, लेकिन अब यहाँ पे वो शावर डायसिस लेके चली गई है तो अब हम देख नहीं सकते, तो मैंने ये सोचा कि आपसे पूछूं या आपको पता होगा बेहतर। नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं है कि वो आई है, बहरहाल हो सकता है कि आई हूँ। सही। तो जैसे कि आप मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त और इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी रुकावट नहीं डाली आपके लिए? कभी आपको बोला नहीं कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला है। ये अलग बात है, यार दोस्त मजाक कर लेते हैं वो करते हैं, बाकी मुझे किसी ने या अपने रिश्तेदारों ने किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। सही। और कोई इंटरेस्टिंग वाक़या बताना चाहेंगे आप जो यहाँ पर पेश आए हो? यार, इंटरेस्टिंग वाक़या ये कि मेरे साथ पेश आया था यहाँ पे, इस चर्च के साथ पहले फाउंडेशन पार्टीशन थी। सही। परली साइड पे कमरा था, इस साइड पे चर्च था। सही। तो क्रिसमस की रात थी, तो मैं यहाँ पे सोया हुआ था रात को लाइटें बंद करके, तो जब अचानक आँख खुल गई तो देखा कि 2-3 ट्यूब लाइटें लगी थी, अभी तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, उस टाइम 2-3 ही थी। सही। तो वो जल रही हैं, तो मैंने कहा यार मैं तो बंद करके सोए हूँ, जली कैसे हैं? सही। बस मेरा तो दिल थोड़ा डर गया, तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। जब बाहर से देखा तो इसके अंदर ये पर्दे वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो ये जो आल्टर की पाक मेज़ है, इसके पीछे से रंग बिरंगी शुआएँ निकल रही थी। सही। तकरीबन कुछ सेकंड का ये वाक़या था। तो फिर जब मैं अंदर आया तो वही लाइटें बंद, वो भी लाइट गायब, कुछ भी नहीं था उसके बाद। सही। ये चीज़ देखी है मैंने। बाकी मैं यहाँ पे 18 साल से, बाकी मैंने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है, ना कोई वाक़या पेश आया है। सही।
तो नाज़रीन, ये थी वहीद अंकल जो इस चर्च की तकरीबन 18 साल से निगरानी कर रहे हैं, और हम वहीद अंकल के बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त निकाल के दिया, जिसकी वजह से हम आज आपके सामने ये ब्लॉग पेश कर रहे हैं। और एज अ मुस्लिम ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक चर्च की निगरानी कर रहे हैं। इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमारा ताल्लुक जिस भी मज़हब से हो, चाहे हम मुसलमान हो, मसीह हो, सिख हो या हिंदू हो, जिस भी जगह खुदा का नाम लिया जाता है हमें उसे पाक मानना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। और मेरा भी आप सबसे यही पैगाम है कि कोई भी जगह हो उसका एहतराम में और इज्जत में कमी ना आने दीजिएगा। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? फरीना। आप पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? टू क्लास में। तो अभी स्कूल जाती हो आप? छुट्टियां हैं आपकी। अच्छा, आप अपने एरिया के बारे में बताओगी, अपने इलाके के बारे में? बताओगी। क्या बताओगी? जो कुछ करूंगी। कैसा है आपका इलाका, आप कहाँ रहती हो? क्या नाम क्या है आपके इलाके का? कश्मीरी बाजार। कश्मीरी बाजार। तो आपके अम्मी अबू क्या करते हैं? हम अबू काम नहीं करते, अबू अम्मी को इतने मारते हैं, जुल्म करते हैं। क्यों? वैसे जुल्म करते हैं। जुल्म क्यों करते हैं? उस दिन हम स्कूल गए थे, अबू को कुल्हाड़ी मारी थी, अबू ने अम्मी को कुल्हाड़ी मारी थी। फिर? तो फिर हम स्कूल गए थे ना, मम्मा चप्पल में थी और अबू जेल में थे। तो अभी अबू कहाँ है? जेल में है, घर में? तो आप मुझे ये बताओ, अम्मी की तबीयत ठीक है अब? वाला जगह दर्द होता, हाथ पे मारा था। तो क्यों मारा था, वजह? हम स्कूल गए थे, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? तो आप क्या कहोगी, क्या करना चाहिए?
आप कितने बहन भाई हो? 7 बहने 3 भाई। अच्छा सही। और थैंक यू। अच्छा ठीक है, और कुछ कहोगी? ये आपके बहन भाई हैं? आपका नाम क्या है? सैफुल्ला। और आपका? फरीहा। और कुछ कहेंगी आप? आप भी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। आंखें मेरी प्यारी हैं आप। आप तो सबसे प्यारी। अच्छा ठीक है, ओके।